सीन काटे। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग हनमकुंडा में तारीख 13 फरवरी 1978। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। यार का शोमा देखो गुरु महाराज ने कहा था कि संत मत का प्रचार करना, मगर ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपना अनुभव बयान कर दूंगा। उन्होंने फल नाम दिया गुरुदा खुदा मुझको इन सत्संगों से बचाए। आज मेरी भी भूल हाल छापा है, सुबह के शाम तक आप लोग भेज दें। मैंने भी प्लान किया था अपना अनुभव बयान करूंगा। दादा दाई ने हुक्म दिया था ताइए को समझता है, वो सत्संगों में मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। आज कुछ कहना चाहता हूं, मगर मैं जानता हूं आप लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग से ये समझते हैं कि हम हमेशा से यहाँ रहने वाले हैं, अपने आद और अंत को कोई छू नहीं चाहता। हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सवाल है जो कि संत मत का एक पूरी है। कहते आपको आप पहचानो, कहा आओ का नेक न मानो। तो नानक साहब कह गए, कह नानक मेरे आपा की है, मुझे न करूंगी। मैंने बताया आपको, मैंने आप पाती में क्या मुझे मिला, मुझे ये यकीन हो गया कि मैं एक चैतन्य का बुलबुला है, जिसमें मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास मैट्री से बना, मन मेरा महाजना तपा से बना, सोच मेरी सतलोक से आई, और जो असली चीज है वो अनामी धाम है। अब वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप लोग वहां पहुंचने के लिए यहां सत्संग में आते हैं? जो पूछो लोगों पर दस्तक कराते हैं, उत्तर नहीं है, बच्चे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए इस उम्र में, मैं भी बड़ी नहीं हूं, इस वक्त में बच्चे पैदा करना एक महान पाप है। हम बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे खुद रहो पैदा होते हैं। अपने आप स्त्री पुरुष मिलते हैं, गर्भ आ जाता, बच्चे आ जाते हैं, तो अनकाल को चिल्ड्रेन। उनसे ये उम्मीद रखना कि वो कुछ काम करेंगे, ये गलती। अच्छा, जो बच्चों के ख्याल से पैदा किया जाते हैं वो ठीक है, मगर जो भी पैदा हुआ उसे यहाँ रहना नहीं, चले जाना। कोई 50 साल रहा, कोई 60 साल रहा, कोई 70 साल रहा। तो मैं राम को मिलने निकला था। कहाँ गया राम, क्या है राम, ये मैं अपनी आत्मा से पूछता। उस राम तक मिलने के लिए आदमी को जिस्म छोड़ना पड़ता है, मन छोड़ना पड़ता है, प्रकाश छोड़ना पड़ता है और शब्द छोड़ना पड़ता है। ये ऊंची मंजिल है। अगर उसके मुताबिक आपको कुछ कहूंगा तो आप श्रम नहीं सकेंगे, मगर मेरे बस में कोई बात नहीं। मैं अब नीचे नीचे आया नहीं जाता, नीचे आकर मुझसे बात नहीं होती,
जो आपके घरे की हो, वो गाता जा रहे एक दवा टाम में मिल गया था, तो वो जिसम से लंगे, पांव से लंगे, दिल से लंगे, एक लाल कपड़ा कमर पर बांधा हुआ 50-60 आदमी वहां बैठे हुए थे और थे मर्द दुखी। मैंने मत्था देखा, मुझे कहते हैं कि इफ यू वांट टू अपलिफ्ट सच सोल्स यू विल हैव टू कम टू देयर लेवल। इसकी मैंने ये है कि अगर ये दुखी लोगों को तुम ऊंचा करना चाहते हो तो तुमको इनके लेवल पर आना पड़ेगा, इनके बराबर आना पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? गिद्धर भाई आए मेरे पास, कुछ कबीर पंथी, कुछ सनातनी, कुछ आर्य समाजी, कुछ राधा स्वामी ब्याज के, सब इकट्ठे हो गए, चार पाए पे बैठे थे। कहने लगे, मैं आसमान की छत पर हूँ, तुम नीचे हो, मैं नीचे आना नहीं चाहता, मैं आ सकता हूँ, तुम मुझ तक पहुँच नहीं सकते, जहाँ मर्जी चले जाओ। तो यह है, यहाँ का इंतजाम इनकी जमे है, धंधराव की आपको गाइड करेंगे, मैं अब गाइड करने के काबिल नहीं रहा। फिर भी चूंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, शब्द निकालो, हे मेरा तुम अमर लोक के पड़े हो काल बस आई, हम तुम सब उस घर से आए, मगर हमको तो उस घर का पता ही नहीं कि कौन याद करता अपने घर का, सिवाय दुनिया के चक्कर की और क्या है, क्या है? ये दुनिया ही ऐसी है इसमें हमारा गुजारा नहीं चलता, बिना पैसे के हमारा गुजारा नहीं, बिना एक दूसरे की मदद के हमारा गुजारा नहीं, जाए कहा, मजबूर है। एक ये राम हाँ पढ़ो जी, तू अमर लोक का है मगर तुम काल के बस में आ गए। मने स्वरूप देव निरंजन तोहे राख्यो भरमाई हो, ये मन जो तुम्हारा है, कमलेश्वर सुनते हो, ये हमको फरमाता है, हम भरम में आए थे, ये कमलेश्वर बैठा हुआ है, इसके अंदर मेरा रूप प्रकट होता रहा प्रकाश में, अपने घर ले जाना चाहता है, दूर है वतन मेरे पास चला नहीं जाता, लड़कों की फिक्र, बीवी की फिक्र, जायदाद की फिक्र, इसे बताया। कभी तो मैं कहता हूँ कि सुर शब्द योग अलहरा कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ किसी काम्र पुरुष का सत्संग नहीं। अब मने रूपी देव निरंजन कैसे परमाता है हमें, मुझे नहीं पता, जैसे मैं परमा वो बताता हूँ, और ये भ्रम मेरा तुम लोगों ने दूर किया। मैं भी तो राम को कृष्ण का पहले ध्यान करता था और मैं समझता था राम मेरा है कृष्ण मेरा है, वो जो राम और कृष्ण प्रकट होता था वो राम नहीं था और ना वो कृष्ण था, वो मेरा मन था, अपना ही मन था और कुछ नहीं। इसका सबूत मुझे तुम लोगों से मिला, जब तुम लोग मेरा लोग सत्संग मेरा ध्यान करते हैं,
मेरा रूप कैसे प्रकट होता है, वो क्या समझते कि बाबा बकी है और मैं होते हैं। तो जो तुम बाबे वकील को समझो तुम भर में नहीं, सोचो मेरी बात। अखबारों में आप पढ़ते हैं कईयों के अंदर देरी प्रकट हो जाती है कि हो जाती है, वो कहती है बड़ी देरी, वो अपनी पुत्री फिर काट के बेचता देता। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये जितने तुम्हारे मन के ख्यालात हैं विचार हैं ये सारे ही काल स्वरूपी हमको परमा रहे, असलियत हमको नहीं बताते। मुझे खुद नहीं पता लगता था, मैं रामकृष्ण का ध्यान करता था, मन जो जाग है कृष्ण मेरे आगे आगे चलता था, उसकी बंसी की आवाज में सुनता था, वो बंसी वो नहीं बजाता था, मुझे पता लगा वो मेरे अपने मन का ही विश्वास था जो समझता था कि बंसी बजा रहा है। इस उम्र में दया दाता जाहिर की है, आप मेरे सच्चे साथी साबित हुए। आप लोग सत्संग जिन्होंने मुझे गुरु माना ये मेरे लिए सच्चे गुरु साबित हुए, इन्होंने मेरी आंख खोल दी। तो एक दफा मैं जा रहा था तो रस्ते में गोबर पड़ा था, मैं तो अपने ध्यान में मस्त था, कृष्ण आगे आगे चलता था पीछे पीछे मैं था, तो कृष्ण ने कहा गोबर खा ले, गाय का था या भैंस का था ये मुझे पता नहीं, मैंने वो गोबर खा ली। जब घर में गया स्टेशन पर पहुंचा तो ख्याल आया कहीं भगत मार्ग में नहीं लिखा हुआ कि किसी इसने गोबर खिलाया हो, ये नहीं ये नहीं। फिर मैं उस मालिक विश्वास था मेरा मालिक का मैं जानता नहीं था, फिर मैं ये तू मुझको राम कहते हैं इंसानी रूप में मिल गया। 24 घंटे लगातार होया, उस रोने के बाद सुबह मेरे सामने ये दृश्य था। अब मैं कई दफा सोचता हूँ गाथा जाल ने कभी मुझको ये नहीं कहा कि मैं तेरे अंदर नहीं प्रवेश हुआ, वो यही कहते हैं तू काल माया में है। मैंने उनसे इतना प्रेम किया है, तुम लोग तो मेरे पास मांगने के लिए आते हो, नोटों पर 10 रुपए चाहते हो, धन चाहते हो, मान चाहते हो। हम धन और मान लेने के लिए नहीं गए, हम सब कुछ देने के लिए गए। मैं जाया करता था सबको देने के लिए जाया करता था, मेरा ये अपना अनुभव था। वो दृश्य मुझे ले गया। अब मैं समझता हूँ दादा दाल नहीं प्रकट हुए थे जैसे मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मेरे पिछले जन्म की कर्म होंगे उनके साथ संबंध होगा, वो कहा करते थे मैं पिछले जमाने में बुद्ध था, तू मेरे पास पक्षु था, शायद इस वजह से हमारा मेल हुआ हुआ। तो कबीर कहता है पढ़ो उसको है जियरा इंसान, वो कहते हैं अमर लोग मेरे काल के बस में पड़ गया। अब मुझको ये तो यकीन हो गया कि मैं काल के बस में कैसे था, ये यकीन मुझको दया दाता दया किया आप लोगों से मिला। बस इस एक ख्याल है कि मेरा रूप लोगों की मदद करता मैं नहीं हूं, इसी मुझे ये यकीन दिया गया कि मैं हर एक आदमी और मैं भी अपने मन के ही चक्कर में आया हुआ था। समझ जाए कमलेश्वर, हम सब अपने मन के चक्कर में ही आए हुए थे और कोई भी आगे इतना झगड़ा है सब इस मन का है।
मैं तो आप लोगों की दया से निकल गया, मगर जब तक जिंदगी है हम मन से निकल नहीं सकते। सिर्फ मन के रूप को समझ जाएं तो हम उसमें नहीं फंस सकते, इतना ही है फर्क, और कुछ नहीं। हम अपने ख्याल से दुखी होते हैं, ख्याल से दुखी होते हैं, कुछ और तो नहीं है। आगे पांच पचे तीन के पिंजरा पामे तो को रखे हो तो। अब मुझको यकीन हो गया जब तुम लोगों ने सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर पर मैं नहीं होता, तो मैं अपने अंदर में जितने मेरे मन के रूप हैं इनको छोड़ जाता। आगे ऐसा प्रकाश अवसर, अब उस चीज की तलाश करता रहता हूं जो प्रकाश में को देख दिया, शब्द को सुन दिया, उसका अंत नहीं। कभी महीने दो महीने में ऐसी समाधि लग जाती है, न तो मुझको ये पता होता है कि मैं कुछ हूं, न मुझे नाम है, न मेरे दिमाग में गुरु है, न मेरे दिमाग में स्वामी है, न मेरे दिमाग में कोई चीज है। एक हालतकारी हो जाती है दिमाग के अंदर, एक अवस्था आ जाती है, क्योंकि उस अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता, उसका कोई रूप नहीं, इस वास्ते उसको उन्होंने अनामी कह दिया। मगर आप लोग गलती में, आम दुनिया का है, जब तक तुम जिंदगी में हो उस मन के बगैर तुम रह नहीं सकते। आप समझ, ये जो संत मत की तालीम है ये आप दुनिया के लिए नहीं, इस आम दुनिया को तालीम देने का एक ही फायदा है कि लोगों को ये बता दिया जाए कि जो कुछ तुम्हारा मन है, ये मुसलमान का मोहम्मद उसका मन, हिंदुओं का राम और कृष्ण उसका मन, पंथानियों का गुरु उसका अपना मन, देवी भक्तों का देवी उनका अपना मन, ये जितना खेल है सब मन का है। हम इस मन के रूप को चूके नहीं जानते, इस वजह से हम मन के चक्कर में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, आया करते हैं और रोते हैं। मन के चक्कर में तो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं बचाते ना डाटा जाल बचे। सच्ची बात जानता हूं मैं, ये बातें जानता, काम बनाई उन्होंने मन के चक्कर के बगैर बनाई, किताबें लिखते थे मन के चक्कर के बगैर बनाई, मैं सत्संग दे रहा हूँ मन के चक्कर के बगैर बनाई। मन का चक्कर तो रहेगा, सिर्फ उसके रूप को जान लेना है और उसमें फंसना नहीं, और कुछ और कोई बात नहीं। ये मेरी समझ में आया। अब आप लोग आते हैं मुझे मत्था देखते, मुझे देखते हो मत्था, तुम अपने ही अज्ञान से अपने ही आप को मत्था देखते हो मेरी शक्ल में, मुझे मत्था कौन देखता। तुम अपने आप को जिस श्रद्धा और भाव से कोई मेरे पास आता है वो अपनी श्रद्धा और भाव ले जाता, मैं तो भगवान न किसी को देता हूँ न किसी कुछ, मेरा मतलब है बात सच्ची कह देता हूँ। चार दिन की जिंदगी है, अगर झूठा मान ले जाऊंगा, झूठी इज्जत ले जाऊंगा, झूठा धन ले जाऊंगा, आपको धोखा देंगे तो मन में मेरा मन मुझे धोखा देगा। तुम मने रूपी देव रंजन तुम्हें राख फरमाई, यानी असलियत का तुमको ज्ञान नहीं है। तुम देखो मामूली की बात है, लैला मजनू का ऐश का मजनू किस पर आशिक था, अपने मन पर आशिक, थोड़ी महिवाल अपने या मन पर आशिक था, मगर वो फर्म में आकर के वो अपनी जिंदगी ये बर्बाद कर गए। हम लोग दुनियावी इश्क में आकर देखो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, नहीं करते। आदमी किसी आदमी पर आशिक हो गया और किसी आदमी पर आशिक हो गया, वो किस पर आशिक हुआ, तो अपने मन पर ही आशिक हुआ।
नहीं समझ में आती है और किसी पर नहीं हुआ, मगर वो उस पर में आकर दुनिया है वो लीलापतियों को भक्तों की बड़ी उनकी बड़ी प्रशंसा करती है। वो मन के मारे हुए थे, वो मन में फंसे हुए थे। मैं अपने आप से किसी को अपना बेटा समझ लेता हूँ, वो नाराज है कि फिर भी हम उनके पीछे दौड़ते हैं। कई आदमियों को औरतें हैं वो छित्र भी मारती है, गाड़ी भी निकालती है, मगर वो अपने काम के बस में हुए हुए उनके पीछे बैठते हैं। व्यक्तियों का हाल देख लो, मेरे पास रोज केस आते हैं, चिट्ठियां आती हैं। तो ये मन है, जरूर ये मन ने चकरा पाया हुआ है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो संसार से दुखों से बच जाता है, और जिसको ज्ञान नहीं है, अगर तुम मुझे किसी आदमी को गुरु मान लो और उसकी बात को ना समझो, तुमने ज्यादा गुरु किया कैसे न किया कोई फर्क नहीं। हाँ, तुम्हारे विश्वास के मुताबिक तुम्हें सिद्धि शक्ति आ जाए। आगे तो को बिखर गई सोते घर की महमायापन भाखे हो, यानी अतिरिक्त घर जो हमारा है उसको तो हम भूल गए। जो मन के अंदर से दृश्य निकलते हैं, हमारे मन के अंदर शक्लें निकलती हैं, मन के अंदर बाप बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं, हाँ उन्हीं के चक्कर में हम पिसते हैं। आज दिन हमारा यही हाल है क्या? संतों का मार्ग बहुत ऊंचा है। मैं सोचता हूं कि तेरे राग के खोलने का फायदा क्या? मैं अपनी आत्मा से पूछा करूं, तूने इस राग को जिसको कबीर ने भी छिपाया, स्वामी जी ने भी छिपाया, तुमने क्यों खोला? मैंने इस वास्ते खोला कि हम लोग अपनी गलती से न कोई मोहम्मद बाहर से आता है, न कोई अली मदद करता है, न कोई जीसस क्राइस्ट मदद करता है, न बाबा फकीर मदद करता है, न स्वामी सरदार सिंह मदद करता है, न बाबा सामर सिंह मदद करता है। हर शख्स को जो कुछ मिलता है उसका अपने विश्वास, वो भ्रम में आया हुआ इंसानी नकल वो सिर्फ मजमू में बट गई और हमारे सिर फटते। आज रामायण के वन के चार तोड़ दो, देखो खुदा मर जाता है। मोहम्मद साहब का एक बाल दाई का या मूर्ख का कश्मीर में गुम हो गया, लाखों की जाने चली गई। ये है क्या? ये भ्रम नहीं तो क्या है? भरम है कि नहीं है? अगर मजमू का पहले झगड़ा खत्म हुआ तो खुदा ना करे इन पॉलिटिकल पार्टियों में झगड़े। तुम आगे तो मजमू के झगड़े पर लड़ते थे ना, अब ये जनता और कांग्रेस लड़ते हैं आपस में, कम्युनिस्ट लड़ते हैं इनका एक दूसरे से। वह सोच लू ये सब दुनिया भ्रम में आई हुई है। आगे निरंकार निर्गुण होए माया तो को नाचन जावे हो। अब तुम सोचो, मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, निरंकार को मानने वाला, जब ऐसे पंथ में आया जहाँ वो ये कहते हैं कि सर्गुण के पूजा करने वाले भी माया में हैं और निर्गुण के पूजा करने वाले भी माया में हैं, बस इस ख्याल को समझने के लिए मैंने उम्र खो दी। ये तो मेरे दिमाग क्या, और इसी में हम दुख सुख इसी में हम दुख सुख बोलते हैं। सोचो मेरी बात को, दुख सुख नहीं भोगते भोगते। ऐसा एक जाल माया का पीछा हुआ है
और बच्चा पैदा करने में कितनी मुसीबत आती है, कितनी मुसीबत आती है, मगर हवस नहीं जाती, हवस नहीं जाती। तो मेरे लिए ये वाणी एक बड़ी मुसीबत का कारण थी। मैं देखना चाहता था कि निराकार और साकार कैसे माया में है, पढ़ो उसको। निराकार मेरे गुण हुए माया, तो को नाचने जावे हो। अब देखो, एक शख्स उस परमात्मा को राम के रूप में, बागे फकीर के रूप में उसको देखता है, फिर घंटियां बजाता है, पैरों में घुंघरू बांधता है, फिर वो नाचता है। वो जो राम उसने बनाया हुआ है, वो उसके मन ने बनाया हुआ है, उसके मन का विश्वास है। नहीं समझ में आती है, सगल रूप माया में आ गया। माया कहते हैं, दाता ने किताबें लिख लिखे पढ़ दी, माँ के मैंने मापना, या के मैंने यंत्र। जिस चीज से कोई चीज मापी जाती है उसका नाम है माया, बुद्धि। हमारी माया, हमारी बुद्धि ने किसी को राम माना ना माना, अब उसके सामने हम नाचते। हमने क्या किया वहां जाके, दाता दार के स्टैचू के सामने हमने क्या किया? माया ने इसे क्या था? माया नहीं थी तो क्या था, बताओ मुझे? सब माया थी। अच्छा, अब रह गया निर्गुण। हम अपने ख्याल से मानते हैं कि उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही मानते। क्यों हमारी समझ में नहीं आता है असल में वो क्या है? किसी को कोई पता नहीं, न कबीर को, न नानक को, न वेदों को, किसी को कोई पता नहीं कि इंसान आदमी छूने जाता है, आप गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो कर देता है कुछ। उस भगवान की कुछ आखिर क्या, वो क्या नहीं? इसी बात कबीर ने कहा, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा रहे कहे कबीर। क्या है वो भगवान? मैंने दराज तो क्यों खोला कि अगर ये समझदार तबका इस वक्त भारत वर्ष में इनकी खोपड़ी में बात बैठ जाए तो कम से कम इनका मजहबी इत्तेहाद हो जाए। तुम्हारा जी चाहता है राम को पूजो, तुम्हारा जी चाहता है कृष्ण को पूजो, तुम्हारा जी चाहता है तुम्हारा अपना मन का विश्वास है गुरु को पूजो, तुम्हारी मन से देवी को पूजो। अरे तुम इस बात से क्यों लड़ते हो कि तेरा मन बगड़ता है तो मेरा मन बगड़ता है? नहीं समझ। इस ख्याल को लेकर के मैंने इस पर्देदारी की रात को मैंने खोला और मेरा कोई मतलब ये मैं जानता हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको हर एक आदमी समझ। तुम्हारी मर्जी है, तुमने अपना फायदा लेना है, राम के रूप में ध्यान करके ले लो, कृष्ण के रूप में ध्यान करके ले लो, क्योंकि तुमको जो कुछ मिलना है वो तुम्हारे अपने ही प्रेम और श्रद्धा और विश्वास का फल मिलना है। ये मुझे सबूत हो गया। आप लोगों से मैं होशियारपुर रहता हूं, लोग मुझको याद करते हैं, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनको दुआइयां बता जाता है, उनको कुछ कह जाता है, मैं बाप को बताऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो साबित हो गया ना कि जो कहीं वो करते हैं उनका अपना ही विश्वास होता है। मैंने दाता दास से हासिल किया अपने विश्वास से, दूसरों ने कुछ मुझसे हासिल किया अपने विश्वास से, ना दाता दास ने मुझे कुछ दिया और ना मैं किसी को देता हूं। दाता दास ने क्या दिया? एक तरीका बताया जिससे मैं समझ जाऊं। अब मैं कितने को गुरु बना जाऊं जो समझ है, जिस जिस को गुरु बना दू मैं लूटता फिरता है लोगों को। तुम समझो मेरा मतलब नहीं, अपने मान झूठे मान के लिए लोगों को थोकर कि जितने गुरु गुजर रहे हैं ये मौजूद है, बुरा ना मानना, मैं निर्भय हो कहता हूं ये सब ठग। कोई सच्ची बात हमको नहीं बताता कि सच्चाई क्या है।
तुमको हमको जो भी मिला वो तुम्हारे ही विश्वास का बल, बस और कुछ विश्वास। मैंने तीन आदमियों के पाप लिए, अगर मुझे कुछ हो, मैंने लिए होते तो मुझे कुछ हो जाता। मैंने पढ़ लिए क्या की, एक बोलवा महादेवा था, एक लड़की थी सालग्राम, मेरा मित्र का कठे उसकी लड़की थी, वो बीमार रहती थी बहुत सख्त, उसके पास एक और बिगेड़िए के लड़का था उसके लिए। मैं सोचते अगर मैंने लिया तो मुझे कुछ हो जाता। संत करते क्या है, जीव को भरम से निकालते हैं, मगर हर एक आदमी भरम से निकल नहीं सकता। मेरा भरम और किसी ने निकाला, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी थी टाइम को बदल जाना, इस बात मैंने साफ ज्ञानी कर दी, साफ ज्ञानी कर दी। एक जगह विश्वास रखो और जिस रूप में तुम विश्वास रखते हो उसको मत समझो, कबीर चंद है या आनंद राव है या नंदू सिंह है, उसको समझो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात भगवान। तुम्हारा ही विश्वास तुम्हारे लिए फायदा देगा, बिल्कुल सच्ची बात। कोई पर्दे नहीं, मेरे पास के लोग प्रसाद ले जाते, तीन तो पागल राजी हो गए, दो हार्ट डबल वाले राजी हो गए, और बीमार आके राजी हो जाते। मेरी और सात साल बीमार चार पाए में पड़ी रही, मैं कुछ ना कर सका। मेरी बड़ी लड़की है नहीं उनमें, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी लड़की तीसरी है, उसके यहाँ शादी 20 साल हो गए, उसके बच्चा नहीं पाते, लोग मुझसे पछा लिया तो उनके बच्चे पैदा हो जाते। और तीन औरतें तो ऐसी हैं जो 50-50 साल की, जिनको महामारी नहीं है, मेरा दिमाग फेल हो गया, मेरा अपना दिमाग फेल हो गया। तो मुझे ये यकीन हुआ कि एंसर तुमको जो कुछ मिलता है इज आइदर योर फेथ और योर फेथ, या तुम्हारा विश्वास है या तुम्हारा कर्म। बात सही, अब मेरे ऊपर गुरु बनने का कोई पाप नहीं। गुरु नाम है ज्ञान, सब ज्ञान। मैं जब कहता हूँ अपने आप को कि मैं संत अपनी भक्त हूँ, तो अपनी आत्मा से पूछता हूँ, कंजर बेहया तू झूठ तो नहीं बकता? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, को मुझे ख्वाब का पार नहीं लग गया, सच्ची बात कहता हूँ। मगर आप लोग सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर अगर आप तैयार नहीं है, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी है कि टाइम को बदल जाना है, इस बात में बदल जा रहा हूं। तो निर्गुण की उपासना करने वाला भी तुम्हारा मन है, सरगुण की उपासना करने वाला भी तुम्हारा मन है। जो चीज फानी है, मन हमेशा नहीं जाता, मन बनता है। जब प्रकाश रूपी आत्मा जिस्म में आता है, तो जिस किस्म के हमारे सेल्स होते हैं उस किस्म के डिवेलपमेंट, हम उस किस्म के ख्याल सोचने के लिए मजबूर, संस्कार काम करते। मैंने परसों भी आपको कहा था, कभी किसी आदमी हिंदू को ये अभ्यास में मोहम्मद नजर आया, ईसा मसीह नजर आया, नहीं ना आया। किसी मुसलमान को राम नहीं नजर आया, कहीं नहीं नजर आया। अच्छा, आप मर गए, कभी सपने में टीवी बने कि आप सपने में औरत बन गए हैं तो आपने बच्चे जाए, या औरतों को कभी सपना आया है कि वो सपने में मर्द बन गए हैं, उन्होंने ब्याह किया और बच्चे बनाए? क्यों? कि वो संस्कार नहीं, क्योंकि वो ख्याल नहीं। समझ लो मेरी बात को, इस बात से कभी ठीक कहता है, शुरू से पढ़ो। ए दियरा, तुम्हारा मन आगे मन स्वरूप देव निरंजन तुहरा क्यों फरमाए हो? फरमाया हुआ नहीं है, आप देख लो, हम सब भरम में, मन से मन ने हमको रचाया हुआ है। आगे 5-25 तीन को पिंजरा
मेहमायापन भाथे। इनके दिल में ख्याल आता है कि हमने मर जाना है, सुबह से शाम तक क्या काम करें, कभी सोचता है कुछ? जो थी हमारे अंतर है, जो सब चीज की साक्षी है, जो प्रकाश को भी देखती है, शब्द को भी सुनती है, मन को भी देखती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है प्रकृति के खेल से अलग। हमको उसमें फंस गए, अब हमको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जीजा जो होता है, जैसे मैंने कहा आशा बाधा शरीर है, मरते रहोगे दूसरे घरों में। मुझे तो जब यह ख्याल आता है कि दूसरी दफा फिर किसी माँ के पेट में 10 महीने पुट्ठा होकर रहूंगा, मेरी तो जान जाती है, पता नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगा, मगर मेरी जान तो घबराती है, आप शायद ना घबराती हो। आपको शायद ये फिक्र ना होता हो, मुझे तो बड़ा फिक्र रहता बाबा, सच्ची बात। इसी बात में सजाई बरतता हूँ, सच्ची बात क्या, तो मेरे पर गले में ढोल पड़ा हुआ है, वो बजाने के लिए मजबूर हूँ। आगे निरंकार मेरे बने हुए माया तो को नाचन चावे ओ जन्म देश के कुल पे दीनों चौरा से भरमावे हो। ये जब तक तुम को हकीकत का ज्ञान नहीं, किसी बाहरी चीज के साथ तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी चौरासी नहीं छूट सकता। अंत समय में अगर तुमको बाबा फकीर भी लेने के लिए आए, स्वामी जी आए, नानक साहब आए, राम आए, कृष्ण आए, तुम्हारा आवागमन नहीं छूटेगा। हाँ, अच्छी जोड़ी मिली, ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं। तो आम दुनिया के लिए क्या चाहिए? मुख्य तो ये चाहती अपना इष्ट बनाओ कोई ना कोई, ताकि अगर आवागमन नहीं तो आई छोड़ जी, कम से कम तुम यमराज के चक्कर से बच जाओगे। यमराज का चक्कर क्या है? यम कहते हैं फर्ज करने को, जो मन के अंदर से तरह तरह के संकल्प उठते रहते हैं, वासना रहती हैं, जो आदमी किसी के ध्यान में मरता है, देवी के ध्यान में मरता है, राम के ध्यान में मरता है, कृष्ण के ध्यान में मरता है, किसी के ध्यान में मरता है, नहीं समझ में आती है, या गाय मन से गाय के ध्यान में मरता है, उसका मन एक रूप पर ठहर जाने की वजह से, प्रेम की वजह से अपने अनेक ख्याल को नहीं बना सकता। समझ के मतलब है, अनेक ख्याल में क्या होगा, क्योंकि गंदा आदमी होता है जिसने सपने में कभी तुम्हारा सिर कटता है, कभी कुएं में गिरते हो, कभी दरिया में डूबते हो, ऐसा सबके साथ होता है कि नहीं होता? तो उससे बचने के लिए सर्वगुण की पूजा, सदगुण का ध्यान बहुत जरूरी है। मैं खंडन नहीं कर रहा, जो आदमी राम का ध्यान करते हुए मरते हैं वो महादार हाथ दर्जे मुबारक है, मगर अगर वो ये चाहे कि उनको आवागमन ना हो, ये हर्ष उनको अच्छी जोड़ी मिलेगी। और यही बात राय साहब साई राम ने भी कही है, और यही बात गुरु नानक बाबा सावन सिंह ने कही है, यही हिंदू शास्त्र भी कहते हैं, और यही साइंस भी, मैंने कल आपको बता दिया साइंस का सुन क्यों। ये न समझना कि मैं ध्यान का विरोधी हूँ, मैं तो ऊंचा बोलता हूँ, आप दुनियादार हैं, आपके लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि ध्यान क्या करो, ध्यान योग आपके लिए फायदेमंद है। उससे दो फायदे होंगे, ध्यान की शक्ति से तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, जैसी तुम इच्छा करोगे वैसी हो जाओगे, ये सबूत में क्यों देता हूं, लोग मेरा ध्यान करते उनके काम हो जाते।
क्या ही धोई है पंडित सुखी चंद को देखे और मेरे तो बाप को पता नहीं होता। इस वास्ते मैं किसी ऐसे शख्स से जिसके अंदर मेरे रूप ने जो कृष्णा दिया हुआ हो उसके घर का मैं पानी भी नहीं पीता, उसकी जी को चीज प्रसाद तक नहीं खाता। मंदिर में जो कुछ को दे जाए बड़ी खुशी दे जाए। एक आपकी बात समझ में आती है मैंने क्या कहा है, तो जहां मन मन नहीं आया तुम्हारा इस दुनिया में वही तुम्हारा रखा है, वो तुमको इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे सिवाय मन के और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। तुम कहते हो गुरु तुम्हारा मन, गुरु ने तुमको सहारा देना है, ज्ञान देना है, विश्वास देना है। नहीं समझ में आती है, अगर गुरु के पास इतनी ताकत होती तो ये अपनी तकलीफों को गुरु कर जाते। कई गुरु के लड़के जैसे मर के बदमाश हो गए, गुरुदानी साहब के दो लड़के उनकी आज्ञाकारी नहीं थे, नहीं तो दादा दादी छोटे भाई फटा करते थे, उनको ना बचा लिया। मैं बात कोई कहता हूँ याद ही करता था, साधु ऐसा चाहिए सच्ची कहे बना के टूटे के जड़े बचन बैठा था। मैंने दराज को क्यों खोल रहा हूँ, ताकि हमारे लोगों का जो मजबी बेस बाकी है, नहीं समझ में, मजबी जो बेस बाकी है ये खत्म हो जाए और हमको पता आ जाए कि सारा खेल हमारे मन का। कोई राम को पूजे, कोई कृष्ण को पूजे, कोई देव को पूजे, कोई अलग पूजे, इससे क्या झगड़ा। वो तो तुम्हारा अपना मन है जहाँ मर्जी तुम लगा लो। सारे आदमी एक ही लाइन पर नहीं चल सकते, प्रकृति रहता है, कोई कर्म का अधिकारी, कोई भक्ति का अधिकारी, कोई ज्ञान का अधिकारी, कोई सूर्य जब योग का अधिकारी, ताकि झगड़ा मिट जाए। क्योंकि मेरे लिए में ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दया। इसी रसूल के मुताबिक क्योंकि मेरे जो मेरे आगे जी थी मेरी सुनता कोई नहीं, मैंने ये कहा है और अब भी कहता हूं कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन दी डेमोक्रेसी इज ए स्वीट पॉइजन टू द ह्यूमन रेस। ये मौजूदा इलेक्शन का तरीका इस डेमोक्रेसी में इंसानी नजर के लिए एक मीठा जहर है। और उसका इंतजाम क्यों मीठा जहर है, हर शख्स अपनी अपनी हुकूमत को लेने के लिए झूठा सच्चा दूसरों के बरखिलाफ पूरा प्रोपेगंडा करेगा, दूसरों के बरखिलाफ अदावत रखेगा, क्योंकि उसके अंदर से नफरत होगी, भेद होगा, बोध होगा, हसद होगा, कीना होगा। तो जिस तरह से मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि सुपने के खैरात तुमको मारे, तो इन लोगों के सुपने में ये पोलिटिकल लाइन वाले जितने वजीर हैं कि सब के सब नर्क में जाएंगे। तुम लोग तो बच सकते हो, ये नहीं बच सकते, ना ये नहीं बच सकते। इस वास्ते हम लोग पोलिटिकल लाइन में हिस्सा नहीं देते, हम लोग आप लोग जो संकमत किए हम लोग पोलिटिकल लाइन में मत पोलिटिकल लाइन में हिस्सा लिया करो। नहीं समझ में आती है, ये तो दुनिया में सिवाय फसाद के और झगड़े के कुछ नहीं। मैंने जो समझा, मैंने ये तारीम क्यों बदली। अब तुम देखो, मैं तुम्हारी चोरी करता हूं, तुम एक आदमी का दुख, एक आदमी का पाप मेरे सिर पर, जब हम हड़तालें कर देते हैं, रेलें जलाते हैं, बसें जलाते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, 60 करोड़ आदमी जो हिंदुस्तान के हैं उनका नुकसान करते हैं, उस पाप से बच नहीं सकते। दुनिया ने सच्चाई को समझा नहीं, इसलिए मैंने इस रात को खोला कि जितना खेल है सब तुम्हारे मन का, अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। तो मन रूपी देव रंजन पढ़ो, पचे से तीन को
मैं हूं। मैं जहां तक मुझसे हो सकता है मैं अपनी आत्मा को सच्चा रखना चाहता हूं, मगर ये बाजे वक्त मैं नहीं चाहता, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। ये मैं नहीं चाहता, मगर मैंने जहां तक मुझसे हो सका मैंने अपने मन को जब से होश संभाली, इसको अज्ञानी में दूर रहा, मगर मन से मैंने कोई खोटा कर्म किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ नफरत, किसी के साथ हेरा फेरी, किसी से धन लेने की इच्छा, किसी के साथ झूठ बोलकर फ्रेप करके कुछ करने की, अगर मैं करता आप में लाखों और करोड़ों रुपया का माल होता, जितना से मेरा रूप अमरीका में और हर जगह लोगों की मदद करता है, मैं मुंह बना छोड़ता जितना मर्जी चाहे पैदा रहेगा, लोग मेरी खिदमत करते, अब कौन देता है? खास खास आदमी है जो बेचारे देते हैं। जितना खेल है ये सब तुम्हारे अपने मन का है, तुम्हारे मन का है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में ये ताकत है कि तुम मुझको बना के मेरे से काम लेते हो, तो मेरे मन में भी ताकत होनी चाहिए। तुम भी आदमी हो, मैं भी आदमी, मेरा ही मन है, तो मैं सिर्फ ये करता हूं। मेरे पास दुखी अशांत आदमी आते हैं मेरे पास, और मैं सिर्फ शुभ भावना देता हूं कि मालिक इनको सुख दे, इनकी तकलीफ दूर हो, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, इनको सिंचाई मिल जाए, इसलिए जो मैं करता हूं। इससे ज्यादा और मेरे पास कुछ नहीं, या सच्ची बात बता देता हूं। क्योंकि मेरे पास आती है मैं सेठ साहब एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड। दुखी मेरे पास आते हैं, मैं कई जगह सोचता हूँ ये चंद तूने मकड़ी का जाया बनाई है, कहीं आप तो नहीं फंसेगा, आप तो नहीं फंसेगा। तो मैं शुभ भावना देता और सच्ची बात कह देता। अब मेरी आत्मा पर कोई गुरु बनने का कोई पाप नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई फेब नहीं है। दादा ने हुक्म दिया था तालीम बदल जाना, ये भी मैं दावा नहीं करता दोस्तों कि मैंने जो कुछ समझा यही ठीक है। कान को हाथ लगाता हूँ, मेरी समझ में जो आया वो मैंने कहा। अगर स्वामी दयानंद को 47 प्रकाश जी ने कहा था, या दादा को 5000 किताब जी ने कहा था, ऋषियों को पुराण जी ने कहा था, तो मुझे भी हक था। मैंने अपनी जिंदगी में क्या समझा, इन्होंने दावा किया, मैं तो दावा भी नहीं करता। मेरी समझ में ये बात आई, मैं खुद हैरान होता हूँ, मेरी अपनी अकल नहीं काम करती। फिर लोग प्रचार ले जाते हैं, फिर उनका विश्वास होता काम होता है। मैं आपको बात बताता हूँ जाएगी। एक दो मैं अपने घर में रोटी खा रहा, तो मेरी और बहनी थी चौके में, उसने अपना कुर्ता ऐसे किया, आंखों में उसके प्रेम से आंसू थे। मैंने कहा भागवती क्या हो गया तुमको? कहने की लोग तेरे मुताबिक कहते हैं मैं तेरी औरत हूँ, तेरे बच्चे पाले, तेरे भाई के बच्चे पाले, तेरे पास कुछ है तो मुझे देगा। उसने अपनी श्रद्धा से मुझे कहा। मैंने कहा भगवान मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ विशेष होती है या लोगों का विश्वास काम करता है। बात है चली दूसरे दिन एक रंगीर था, वो आ गया, उसने कहा बाबा जी प्रसाद कर दो, पुराने काम के लिए। मैंने कहा माँ से करा दे, मैंने कहा अपनी माँ से करा दे। वो गया, वो रोटियां पकाई, उन्होंने कहा मैंने नहीं तुम्हारा एक तुम्हारा पखंड जा, तू जान तेरा गुरु, तुम जानो तुम्हारा गुरु जाने, मुझे नहीं पता कुछ भी। वो उसको तंग करने लगा, उन्होंने कहा मुझे प्रसाद करना आता नहीं। उन्होंने कहा बाबा जी हाथ लगा देते, कह दे तेरा काम हो जाएगा। उस मेरी औरत ने तंग आकर के उस चीज को हाथ लगा दिया, कह दिया तेरा काम हो जाएगा। वो 4-5 दिन के बाद आया मकान मेले में, नाचने लगा, जैसी माता का जी पिता, जैसी पिता का जी माता, जैसे माता का। मैंने कहा क्या हुआ? अभी मेरा काम बन गया, मैंने भी शाम की रोटी खाएंगे, मैंने भी ऐसे किया। कहे क्या है? मैं कहा तेरे प्रसाद को काम बन गया। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बोला बेवकूफ, ऐसे मैंने कुछ नहीं करता। अः मेरे वीरों, अः मेरे भाइयों, अः मेरी बेटियों, अः मेरी माताओं, अः मेरे बुजुर्गों, तो मन को जब एक शिखर बना के दूसरी जगह तब्दील करते हो, वो पानी तुम्हारी एक शख्स को ठाल करके दूसरी जगह बना देते हो, वो पानी तत्व। अब तुम्हारा मन यहाँ है, एक मिनट सेकंड में कहाँ चला जाएगा? यह हवा का तत्व। तुम्हारे मन में जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है,
ये अग्नि तत्व है, नहीं समझ में आती है। तुम्हें मैं बना आ जाता है ये अहंकार तत्व है। तो ये संस्कृत कवल से त्रिगुण तुम्हारा सारा मन का ही तबका है। त्रिगुण जी में अभ्यास करने वाले के बने गलता क्यों गलता कोई सोचता है बड़ा शख्स मैं हूं जिसने इस लाइन उसी की है। सूरज की किरणें बारिश समुद्र से पानी को पाप की रूप में ले जाती है ले जाती ऊपर कटी हो जाती है। बादल बादल जब बड़े खाते हैं आवाज आती ही नहीं आती, बिजली चमकी है चमकी। इसी तरह से जब इंसान अभ्यास करता हुआ संजय कमल को छोड़कर ऊपर जाता है तो उसके मन की वृत्तियां जो है, मन के ख्याल जो है, वो सारे वहां इकट्ठे होते हैं ऊपर। उनके इकट्ठा होने से सूक्ष्म प्रकृति इकट्ठा होने से उनमें रगड़ पैदा होती है। और मूल बनाने में आसान काम नहीं है, जोर लगता। आप बड़ा ध्यान करते हैं कहीं कोई ध्यान बनते ही नहीं है। ध्यान में मूर्ति बनाने के लिए जोर लगता है। अब अगर मैं किसी चीज को बड़े जोर से पकड़ू ऐसे तो मेरे मुंह में लाली आई ही नहीं आई। ऐसे ही जब मूर्ति बनाने वाला आदमी होता है उसको वहां लाली की लाल रंग की रोशनी मालूम होती है। जो आदमी संदेह कवल में ध्यान करता है अगर उसकी जाति अपनी जाति बाप कहते हैं खुद के माँ बाप की नहीं, अगर उसको सुख नहीं मिलता तो उसका अभ्यास कर। तो उसका अभ्यास गलत है, समझिए मेरी बात को। ये अभ्यास है क्या? ये तुम्हारे मन के एहसास है। कहीं मन का अनेकवाद है, कहीं मन का द्वैतवाद है, कहीं मन का त्रिपुटीवाद है, कहीं मन का अद्वैतवाद। तुम्हारा ख्याल ही है जो अद्वैत स्तर लिए जाता है। तो अगर मेरे पास कई अगर वेदांती को आगे सच्चा तो मैं उसको यहां से नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको मन के रूप का पता लग गया है कि ये मन है। उसके ऊपर ये दर्जे नहीं खोलेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं हूं, मैंने बड़ा बड़ा अभ्यास किया 12-12 घंटे सबको सुना। अब मैं लाख कोशिश करूं मुझे घंटा सुनाई दे नहीं सुनाई देगा। लाख में कोशिश करता हूं मुझे मृदंग सुनाई दे नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि ज्ञान की अग्नि से समझ से कि ये सारी मन की कल्पना है सब खत्म हो जाती है। समझ गया मैं मालूम? तो अभ्यास आप अभ्यास करते हैं आपको एक तरकीब बता देते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा बातें करने में अंतर में बातें मत किया करो। गुरु का रूप जब प्रकट होता है तो अंतर में बातें मत किया करो। क्यों? जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है बाहर का तो कोई आता नहीं। मैंने तुमको साबित कर दिया, कोई नहीं बाहर से आता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। हम लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, और उस मूर्खता का नतीजा हम गुरुओं ने नाजाज उठाया तुम लोगों से। जीव अज्ञानी है, जीव मता देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है, वो समझते हैं गुरु महाराज ने कर दिया। तुमको बात बताऊं सुनने वाली है। एक सरदार आया मेरे पास अमृतसर से, उन्होंने लगा क्या महाराज मैंने एक कोकुरी धारण किया हुआ था। फिर क्या हुआ? वो गुरु मेरी औरत से मिला हुआ विषय भोगते हैं। अब मैं डरता वाला हूँ, कुछ नहीं कहता कि मुझे शराब न गुरु दे दे। मैं आप लोगों की आंखें खोल के जाना चाहता हूँ कि आप हर तरीके से इन साधु के मगर मत फिरो। तुमको पता नहीं भगवे कपड़े वाले के पास है क्या? तुम क्या जानते हो? तुमको क्या पता? मुझे पता
सोचो मेरी बात, आजकल क्या होता है, ये मुसीबत हमारे पंजाब में जो जरा भगने कपड़े हुए आया उसके पीछे दौड़ती है। मैं सच्ची बात कहता हूँ, आपको पता नहीं हकीकत क्या है कि जितने दर्जे हैं वो बादल की दर्ज क्यों होती है अंदर में मृदंग ओम ओम क्यों बजता है।